बहुत लोगों को लगता है कि भाई मैं वेलाओं में कुछ काम नहीं करता, वेलाओं में कुछ काम नहीं करता। कुछ लोगों ने मुझसे डीएम में भी पूछा कि भाई आप करते क्या हो। तो मैंने क्या करा, इंस्टाग्राम में अपना टाइटल डाल दिया इंजीनियर। काफी लोगों को लगा कि मैं इंजीनियर हूँ और मैं हूँ, तो वो एक क्लेरिफिकेशन हुआ। और कुछ लोगों को लगता है मैं स्टूडेंट हूँ, और कुछ लोगों को लगता है मैं एक्चुअल जॉब करता हूँ और यूट्यूब मेरा पार्ट टाइम है। और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई आप फुल टाइम करते हो यूट्यूब की पार्ट टाइम करते हो। और किसी किसी को तो ऐसा भी लगता था कि मैं फुल टाइम यूट्यूब कर रहा हूँ। तो फुल टाइम यूट्यूब करने में कोई बुराई नहीं है, और मुझे मौका मिलेगा या मैं इतनी अर्निंग यूट्यूब से करूँगा तो भाई मैं अपनी जॉब भी छोड़ सकता हूँ, वो तो ऑब्वियस ही बात है, राइट। अपना बॉस बनना किसे अच्छा नहीं लगता। तो इन सारी बातों का जवाब आज इस वीडियो में मिलेगा आपको, और आपको पता चलेगा कि कनाडा में मैं क्या जॉब करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, सैलरी नहीं पता चलेगी भाई, सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। तो आपको पता चलेगा कनाडा में मैं क्या जॉब करता हूँ और किस फील्ड में जॉब करता हूँ। अगर आप उस फील्ड से रिलेटेड हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं और जॉब होगी तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपको रिफर कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको जॉब दिलवा ही दूंगा, ऐसा कुछ मत समझना, बट रिफरल दे दूंगा मैं आप। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार, सबसे पहले आप एक काम करो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वो घंटे का बटन भी दबा दो। अगर घंटे का बटन नहीं दबाओगे आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे मेरे न्यू वीडियो के। तो भाई देख लो, अगर न्यू वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब करो और घंटे का बटन दबाओ। तो मेरी यहाँ की जॉब बताने से पहले कि मैं कनाडा में क्या करता हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा मैं बैक इंडिया में क्या करता था। तो भाई अभी मुझे लगभग हो गया 10 साल का एक्सपीरियंस, और 2019 में मैं कनाडा आया था। और इससे पहले मैं इंडिया में था, मैंने दिल्ली में काम किया, पुणे में काम किया, और मोस्टली मैंने दिल्ली में काम किया। पहले जो मेरी लास्ट जॉब थी वो थी MNC में, US बेस्ड MNC थी, और मैं वहाँ था सपोर्ट इंजीनियर। मैं उनके जो सॉफ्टवेयर था उनका सपोर्ट करता था, बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, अगर आपने कभी सुना हो वेरिटास का नाम, जिनका बैकअप सॉफ्टवेयर आता है नेट बैकअप बहुत पॉपुलर है और हर कंपनी में मोस्टली यूज़ होता है, और कोई कोई लोग तो अपने घर पे भी यूज़ करते हैं। तो नेट बैकअप में मैं काम नहीं करता था, मैं काम करता था उनका दूसरे प्रोडक्ट में, वो था वेरिटास क्लस्टर। तो वेरिटास क्लस्टर का प्रोडक्ट सपोर्ट हम लोग देते थे, हमारी टीम देती थी, और मैं उसमें एक हमारी टीम में एक इंजीनियर था जो उनके प्रोडक्ट कस्टमर को जो प्रॉब्लम होती थी तो वो सपोर्ट करता था। तो अगर आपको कभी उस कंपनी में काम करने का मौका मिले तो छोड़ना मत भाई, अच्छा पैकेज है और अच्छी जॉब है। और पुणे तो भाई मुझे सबसे अच्छी जगह लगी, मतलब एनवायरनमेंट वाइज लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के, और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं लगेगा सर्दियों में कि भाई बिल्कुल रजाई ओढ़ के सो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो बहुत बढ़िया मौसम है। पुणे में लगभग मैं 2 साल था, उससे पहले मेरा जो सारा वर्क एक्सपीरियंस है वो दिल्ली का है। और मैंने उत्तराखंड से इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट की है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच में। कोवेड एक कॉलेज है वहाँ पे, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की, काफ़ी फेमस कॉलेज है, अगर आप जानते होंगे तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताइए। वेरिटास से पहले मैं दिल्ली में ही काम करता था, और दिल्ली में मैं NCR गुड़गांव रीजन में काम करता था, और मैं काम करता था TCS में। TCS का नाम आपने सबने सुना ही होगा, और TCS से पहले मैंने काम किया HCL में, और HCL से पहले मैं काम करता था क्रिएटिव रोबोटिक्स में। तो मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो IT फील्ड में ही रहा है, सपोर्ट इंजीनियरिंग फील्ड में। तो अब बात करते हैं कि मैं कनाडा में क्या काम करता हूँ, क्या मैं गैस स्टेशन में काम करता हूँ, क्या मैं मैकडॉनल्ड्स में काम करता हूँ, या मैं किसी स्टोर में काम करता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं काम करता हूँ एक US बेस्ड कंपनी के लिए, मैं वहाँ एक सपोर्ट इंजीनियर हूँ और उनके प्रोडक्ट को सपोर्ट करता हूँ। और जैसा कि हर सपोर्ट इंजीनियरिंग में होता है, हमारे पास केसेस आते हैं तो उन पर काम करते हैं। और मेरा जो फील्ड है वो है DevOps से रिलेटेड, अगर आपने सुना हो AWS, Kubernetes, Docker, तो मैं उस टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूँ, और ये टेक्नोलॉजी बहुत हॉट है अभी। अगर आपने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा तो प्लीज इसके बारे में पढ़िए, Docker, Kubernetes और जो भी DevOps टेक्नोलॉजी है, और उनको सीखिए तो काफी अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है। मैं बहुत अपने को लकी समझता हूँ, फॉर्चुनेट समझता हूँ, और हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद था कि यार मुझे पहली जॉब अपने फील्ड में मिल गई, मुझे किसी स्टोर में या कहीं और काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, और मुझे जो मेरी मन जॉब थी अच्छी सैलरी के संग वो मिल गई। और हाँ यार, ये जो मेरा जॉब है वो रिमोट जॉब है, तो ऐसा नहीं कि कोविड जब चालू हुआ था तब मेरा रिमोट जॉब हुआ था, तो मेरा रिमोट जॉब पहले से ही है, और इवन जब कोविड चालू भी नहीं हुआ था, इनिशियल फेज में था, उससे पहले मैं रिमोटली काम कर रहा था। तो मेरी जो पोजीशन है वो रिमोटली है पूरी, और इवन अगर कोविड सही हो जाएगा तो मैं फिर भी रिमोटली काम करूंगा। और रिमोट वर्किंग के बहुत बेनिफिट होते हैं जैसे आपको पता ही होगा, और अगर आप कहेंगे कि उस पर वीडियो बना दो तो भाई किसी दिन उस पर वीडियो भी बना देंगे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि बहुत टाइम लग जाता है जॉब मिलने में, और लगता होगा कि डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड, बट IT फील्ड में अच्छी खासी जॉब है यहाँ पे, और मेरी जो जॉब है विद इन 2 मंथ्स लग गई थी, और फॉर्चुनेटली भगवान की दया थी मुझ पे, और मेरी 2 जॉब लगी, और एक थी मिसिसागा में और एक थी रिमोट वर्किंग। तो भाई
दो ढाई घंटे ट्रेवल करके मैं यहाँ से मिसिसागा तो जाता नहीं, और रिमोट वर्किंग में सैलरी भी अच्छी थी और घर से काम करना था, तो मैंने रिमोट जॉब को चूज करा। तो अगर आपको जानना है कि यार मुझे इतनी जल्दी जॉब कैसे मिली, तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, तो जिसमें मैंने बताया प्रूवन टिप्स टू गेट जॉब इन कैनेडा, और दूसरा वीडियो है व्हाट आर द बेस्ट वेबसाइट्स टू फाइंड जॉब इन कैनेडा। तो दोनों ही वीडियो में मैंने काफी, मतलब जितना मुझे एक्सपीरियंस था जॉब फाइंड करने का, जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करी वो सारी आपके संग शेयर करी है। तो वो वीडियो जाके देखिए, उसमें कमेंट करिए, मुझे बताइए अगर आपको अच्छा लगा, आपके कोई डाउट है। तो आगे बढ़ने से पहले यार लाइक करना मत भूलना इस वीडियो, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे तभी यूट्यूब का एल्गोरिथम इस वीडियो को प्रमोट करेगा, मेरा चैनल प्रमोट होगा और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचेगा। और ये सब कर सकते हैं आप, प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। तो चलिए, मैं जो बात बता रहा था आपको कि मेरी जो जॉब है वो विद इन 2 मंथ्स लग गई थी, और मैंने अपने यूट्यूब चैनल में वो दो वीडियो भी डाले हैं, प्रूवन टिप्स और प्लस बेस्ट वेबसाइट्स टू फाइंड जॉब इन कैनेडा, तो वो दोनों को देखिए और मुझे कुछ क्वेश्चन होता तो आप मुझे बताइए। और अगर उसके बाद आपको लगेगा कि भाई नई इन्फॉर्मेशन कम है और आपको चाहिए कि एक डिटेल वीडियो में बनाऊं कि कैसे मेरी जॉब विद इन 2 मंथ्स कनाडा में लग गई थी, तो मैं वो भी कर दूंगा, जस्ट मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप उस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड है तो मैं उसको बना दूंगा। तो अगर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि आप मेरी सैलरी जानना चाहते हैं, तो भाई सैलरी थोड़ी पर्सनल चीज हो जाती है, वो सैलरी में डिस्कस नहीं कर सकता आपसे, तो बट मैं ये आपसे कह सकता हूं कि मेरी सैलरी अच्छी खासी है, जितना एक सपोर्ट इंजीनियर को मिलनी चाहिए उससे अच्छी खासी सैलरी मुझे मिल रही है अभी, और मैं खुश हूँ, और इस सैलरी से मैं अपनी फैमिली को पाल सकता हूँ और अच्छा खाना खा पी सकता हूँ। तो उतनी सैलरी मिल रही है बिना किसी, मतलब रेंट वेंट दे के अच्छी जिंदगी जीने लायक सैलरी मिल रही है अभी। और भाई इस कोविड के टाइम में तो सैलरी मतलब मिल जाए वही बहुत है, तो भगवान की दुआ है कि भाई सैलरी मिल रही है और जॉब हमारी है अभी भी, और बस यही है। तो अगर यार आपने ये वीडियो इतना देख लिया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, और मुझे बताओ अगर आपको कुछ और वीडियो देखना, और मैं कोशिश करूंगा उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की। अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए।